स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट द आइडियल डाइपोल। प्रीवियस क्लास से आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक ऐसा डाइपोल लिया है जिसमें जो चार्जेस लगे हुए हैं दोनों चार्जेस के साइज जो होंगे वो सिमिली लार्ज है एज कंपेयर टू देयर सेपरेशन। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। दिस सेपरेशन इज क्वाइट स्मॉल रादर देन द साइज ऑफ दीस टू चार्जेस। देन वी कैन से दैट डाइपोल इज आइडियल। That means ideal dipole के अंदर size of charges extremely large होंगे, that is large size होगा charges का और separation small होगी and separation is small। अगर ऐसा होगा then we can see that dipole is ideal। अगर ideal dipole है तो उसका dipole moment ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। तो डाइपोल मूवमेंट कांस्टेंट होता है। डाइपोल मूवमेंट ऑफ डाइपोल इज कांस्टेंट। कितना होगा जैसा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा था पी इक्वल टू क्यू इनटू 2a के इक्वल होगा। ये उसका डाइपोल मूवमेंट होगा आइडियल डाइपोल का। अब अगर कोई आइडियल डाइपोल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं आइडियल डाइपोल के लिए। फाइन, सबसे पहले आप एक डाइपोल लो जिसका डाइपोल मोमेंट पी है। हमने कोई डाइपोल ले लिया और ये डाइपोल है हमारा शॉर्ट डाइपोल है। दिस इज ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, दोनों का सेपरेशन 2a, दैट इज डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इतना ये है। ये हमारा डाइपोल मूवमेंट है इस आइडियल डाइपोल का। अब इसके पास कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, मैंने ये पॉइंट ले लिया जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखो सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सो सिंपल। यहां से लेकर के यहां तक की ये जो हमारी डिस्टेंस है ये r है। अगर हम मान लें सेंटर से उसकी डिस्टेंस r है इस डायग्राम में, ठीक है। अब अगर हम ये सोचते कि ये डाइपोल अगर एक्सियल लाइन पर एग्जिस्ट करता तो इस डाइपोल की पोजीशन ये होती। अगर एक्सियल लाइन पर होता ऐसे, और अगर ऐसे ना हो करके कैसे होता, अगर ऐसे होता तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर लाई करता, और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर लाई करता और एक्सियल पर लाई कर रहा है, अगर एक्सियल पर लाई कर रहा है ये वाली लाइन एक्सियल पर होती तो इस डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट होता वो इस तरफ होता, इस तरफ। इसके लिए जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए ये इसकी एक्सियल लाइन है और एक्सियल लाइन है तो उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इवन की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। लेकिन अगर ये पोजिशन नहीं होती, ये वाली पोजिशन होती, तो इसके लिए ये पॉइंट जो होता वो इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाता, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एंटी पैरेलल होगी, एंटी पैरेलल लाइक दैट E2 ऐसे होगा। अब दोनों इंटेंसिटी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर फंक्शनेबल होंगे, ठीक है। तो लेकिन ऐसा है नहीं प्रैक्टिकली, तो फिर क्या करेंगे हम इस डाइपोल मूवमेंट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो P cos theta कंपोनेंट इधर एक्टिव होगा, और अगर इस पर देखते हैं तो P sin theta कंपोनेंट इस पर एक्टिव होगा। तो इसके P के हमने दो कंपोनेंट किए, P cos theta इस तरफ एक्टिव है और P sin theta इस तरफ एक्टिव है। जिधर एंगल बनता है वो cos कंपोनेंट होता है और दूसरी साइड में जो होगा वो sin कंपोनेंट होगा। अब P cos theta कंपोनेंट के लिए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट हुआ है ए पॉइंट पर वो एक्सियल लाइन के लिए, और P sin theta की वजह से E2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट होगा वो उसका इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन के लिए कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में, E1 इक्वल टू होगा एक्सियल लाइन के लिए K Q अपॉन K 2P upon R Q होता है। लेकिन इधर की तरफ हमारा केवल cos component active है, इसकी वजह से हमें P की जगह क्या लिखना होगा, P cos theta। और ये electric field intensity axial line के लिए function कर रही होगी। ऐसे ही electric field intensity अगर हम निकालते हैं equatorial point पर,
एट इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट, अगर इक्विटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या होगी इवन, इक्विटोरियल पॉइंट पे e2 इक्वल टू आई बी के p अपॉन r क्यूब होना चाहिए था, लेकिन उसका केस केवल p sin थीटा कंपोनेंट इक्विटोरियल के लिए रिस्पांसिबल है, इसलिए हमने p की जगह क्या लिखा, p sin थीटा ही। अब दोनों इंटेंसिटी एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर फंक्शन कर रही है, इसकी वजह से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ऐसे निकाल सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी इक्वल टू किस में कितना आएगा, तो e आएगा अंडर रूट ऑफ e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर। अब आप e1 और e2 दोनों वैल्यूज प्लेस कर सकते हो और सॉल्व करोगे तो इजीली आपको रिक्वायर्ड रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज k2p cos थीटा ओवर r क्यूब इसका होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा अपॉन r क्यूब इसका होल स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, वो कॉमन ले लेते हैं, अगर हम कॉमन लेके देखने की कोशिश करेंगे तो कॉमन आ जाएगा हमारा kp cos थीटा kp अपॉन r क्यूब, तो रूट में रह जाएगा हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फाइन, इतना इस रूट के अंदर लेंगे। अब हम इस साइन को इसको भी ब्रेक कर लेते हैं कॉस में, तो और इजी हो जाएगा और एक्सप्रेशन इजीली आ जाएगा। अब हमने इसको ऐसे देखते हैं, e इक्वल टू k p अपॉन r क्यूब, अब इसको लिख सकते हैं हम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से वन हो जाता है, तो e इक्वल टू आएगा हमारे पास k p अपॉन r क्यूब, दैट इज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन होगा अगर हम किसी आइडियल डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने ये रिलेशन निकाला है तो फिर हमको डायरेक्शन और निकालनी होगी, तो डायरेक्शन तो सिंपल है, दोनों इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस ऐसे फंक्शन कर रहा होगा, यहाँ पे अगर ये एंगल अगर हम बीटा मानते हैं तो इस बीटा को हमें निकालना होगा, दैट मीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो बीटा को अगर निकालना होगा तो tan बीटा इक्वल टू आएगा हमारा tan बीटा इक्वल टू e2 ओवर e1, e1 और e2 की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, तो उन वैल्यूज को हम प्लेस कर सकते हैं, क्या प्लेस करेंगे, e2 की वैल्यू थी k2p sin थीटा अपॉन r क्यूब ओवर k p 2p cos थीटा ओवर r क्यूब, क्या कैंसिल होगा, देखो सभी कैंसिल हो गए, अब हमारे पास बचता है tan बीटा इक्वल टू k p और r क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास 1 upon 2 sin थीटा ओवर cos थीटा, दैट इज हाफ ऑफ tan थीटा, ऐसे आप उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इस तरह से आइडियल डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसी एक डेफिनेट पॉइंट पर निकाल सकते हैं। देखो नोट करने वाली क्या पॉइंट्स हैं, नोट करने वाली बात हमारे पास सिर्फ 2-3 बहुत कॉमन चीजें फैक्ट्स होते हैं जिनको हमें डिस्कस करना होता है। पहला हमारे पास हमने कहा था आइडियल डाइपोल क्या होता है, आइडियल डाइपोल वो होगा जिसमें चार्जेस का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू सेपरेशन, और उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंट्रीब्यूट होगी वो इस रिलेशन से निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। अब हम तीनों जॉइंट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस कर ली तीनों पॉइंट्स पर, इक्विटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट और एनी पॉइंट पर। अब इसके कर्व जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इसको स्पेशली फोकस करना है, पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r के लिए फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, चाहे वो कोई भी केस हो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो सभी डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करेगी वो इस रिलेशन को फॉलो करेगी, और कर्व कैसा होगा, इस तरह से वो कर्व को फॉलो करेगी, e इस एक्सिस पर अगर हमने ले रखा है और r इस एक्सिस पर लिया है तो इस तरह के कर्व को फॉलो करेगी। इन केस अगर आपको वेरिएशन 1/r क्यूब में और
ई में लिखना होता है तो कैसे करेंगे, अगर हमने ई सक्सेसफुली और इधर हमने 1 अपॉन आर टी दिया तो ये बिकम ए स्ट्रिक्ट लाइन, तब फिर हमको वो स्ट्रिक्ट लाइन पर रखना। तो दो तरह के वेरिएशंस है जो हमको याद रखने, एक तो ये वेरिएशन है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर टी को फॉलो करेगा, और ये वेरिएशन दोनों पर हमको नोट डाउन करके रखना होता है। ठीक है,